जी अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर करंट अफेयर्स से रिलेटेड और सितंबर 2021 से ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूके यूनाइटेड स्टेट्स अलायंस, इसकी काफ़ी धूम मची हुई और इसकी इम्प्लिकेशंस और इसकी इम्पोर्टेंस और इस पे क्रिटिक पे हमें आप गूगल कर लें, काफ़ी ज़्यादा हमें ओपिनियंस एंड फिर आर्टिकल्स मिलते हैं। बट इसका कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर हम इस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं काफ़ी अरसे इस पर डेलिब्रेशन करता रहा और फिर बिलाखिर एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने में मैं कामयाब हुआ, पार्शली में भी। तो आप लोग लेक्चर पूरा सुनने के बाद फिर अपनी फीडबैक ज़रूर बताएं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये मेरे कोऑर्डिनेटर का जो है वो नंबर है। अच्छा जी, ऐसा है कि 21st सेंचुरी में हमें ऑफ कोर्स एक राइज ऑफ चाइना, तो अब एक सेटल्ड फैक्ट जो है वो हो चुका होगा। एंड 21st सेंचुरी में फिर चाइना अपनी ट्रेड को लेके, अपनी एनर्जी सप्लाई लाइंस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इन पर काम करता हमें नज़र आता है। 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में ही हमें फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के, हाँ, वो एस्पेक्ट्स भी नज़र आते हैं कि जो पास्ट में जिनको मुख्तलिफ चाइनीज प्रेसिडेंट्स हाईलाइट भी कर चुके हैं, जिसमें हु जिनताओ का सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उसने की थी, मलाका डायलेमा। इसी को एड्रेस करने के कॉन्टेक्स्ट में हमें फिर चाइना की तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आइडिया भी डेवलप होता नज़र आया, और इसी को फिर जो है ये अब्जॉर्ब हो गया। आगे फर्दर हमें एक्सटेंशन नज़र आई, जिसको पहले ओबोर और अब BRI कहते हैं। इस तमाम एस्पेक्ट्स में ख़ास तौर पर BRI की जो चाइनीज़ की फिर नेवल कॉन्टेक्स्ट में प्रिपरेशंस हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल फिर चाइना के लिए, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, पॉपुलरली नोन एज प्लान। सो बेसिकली वट एवर हैज बिन हैपनिंग सिंस यू कैन सी कि 2010 ऑनवर्ड्स बाय द वेस्टर्न ब्लॉक, नॉट ओनली इन द जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट यू कैन से कि दैट इट इज ए कंटेनमेंट ऑफ चाइना, बट स्पेसिफिकली इट इज ए कंटेनमेंट ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। सिंस 2017 पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडियन ओशन में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और इसको 2020 की यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो एनुअल रिपोर्ट है, उस एनुअल रिपोर्ट में भी ये हाईलाइट किया गया है कि प्लान इज नाउ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि प्लान का नेवल फ्लीट इंडियन ओशन में ये प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक फुल फ्लेज नेवल फ्लीट इंडियन ओशन में प्लान का आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेज कि क्यों, व्हाई व्हाई इंडियन ओशन
ये इम्पोर्टेंट क्यों है चाइना के लिए? तो बात यह है जी कि 80% तो जो इम्पोर्टेड ऑयल है वो थ्रू इंडियन ओशन ही चाइना तक जाता है जी। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, इनके साथ जो ट्रेड चाइना की होती है उस ट्रेड का 95% वो इंडियन ओशन से गुजर के ही इन कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में या जो जो एरियाज हैं ये यहाँ तक पहुंचते हैं। सही जी। और ये रीजन लार्जली इसको कंट्रोल करता रहा है इंडिया या यूएस, और दोनों राइवल्स किसके? चाइना के। सो हमें फिर इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना है चाइनीज ने, और वो इन्फ्लुएंस फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ही कर सकती। सो हम देखते हैं कि प्री 2010 में जो एक रूटीन नेवल लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, हम नेवल जार्गन के कॉन्टेक्स्ट में जिसको कहते हैं पोर्ट विजिट्स, मुख्तलिफ पोर्ट्स के विजिट्स करना, यानी वन आना जाना आपका लगा रहना, तो जो पोर्ट विजिट्स हैं प्री 2010 में, यानी 2000 से आप 2010 तक का कर लें, सो ये 5 पोर्ट विजिट्स भी नहीं होते थे पर ईयर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के। बट आफ्टर पोस्ट 2010, आफ्टर या सिंस कह लें, सिंस 2010 ये 20 पोर्ट विजिट्स पर ईयर करना शुरू कर दी इंडियन ओशन। इन एडिशन टू दिस, कि ये सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं, इन एडिशन टू दिस चाइना इंडियन ओशन के 6 जो मेजर आइलैंड्स हैं उन तमाम में अपनी एम्बेसीज चाइना ने बनाई। इन की एरियाज में श्रीलंका है जी, मालदीव्स है जी, उसके बाद मॉरिशियस है जी, साइचलिस आइलैंड है जी, उसके बाद मदगास्कर है जी, उसके बाद कोमोरस है जी। ये 6 मेजर आइलैंड्स, सब में इन्होंने अपनी एम्बेसीज बना ली। जबकि हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें ना, उसकी सिर्फ 3 है, 3 श्रीलंका में है, मदगास्कर में है एंड मॉरिशियस में है। सो अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ नेवल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में भी। चाइनीज का जो क्लेम है वो ये रहा कि भाई इंडियन ओशन में हमने सी यानी कि पायरेसी इसको एड्रेस करना, और अपनी शिप्स को हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो इसलिए हम जो है वो अपना प्रेजेंस अपनी इंडियन ओशन में वो बढ़ा रहे हैं। अब 2020 की जो रिपोर्ट है स्टेट डिपार्टमेंट की, वो कहती है जनाब 100 से ज्यादा वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स, यानी कि प्लान इतना कैपेबल है कि वो 100 से ज्यादा वॉरशिप एंड सबमरीन्स वो ऑपरेट करने की कैपेसिटी इंडियन ओशन में रख चुका है। इसी कनेक्टिविटी में हम देखते हैं कि सिंस 2000 यानी कि 17 फुली फंक्शनल मल्टीपर्पज पोर्ट वो भी काम कर रही है जी चाइनीज की जिबूती में। ये सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, साथ ही इसके यूएस बेस भी है। जिबूती में बहुत सी कंट्रीज की नेवल बेसिस हैं, फ्रांस की भी है और भी। जिबूती की यानी इकोनॉमी का मेन बैकबोन ही इस तरह लीज पे दिया हुआ और जो पोर्ट्स के लिए, और तो जनाब
ये मौजूद है। इस मल्टीपर्पज पोर्ट के साथ जो है वो मिलिट्री बेस भी है जो प्लान इस्तेमाल करते। सो पूरे इंडियन ओशन पे हमें इन्फ्लुएंस नजर आता, और यहां नहीं, साथ साथ चाइनीज देवर डेवलपिंग अलायंसेस, ऐसे अलायंसेस जो के सबमरीन फैक्टर पर डेवलप हो रहे हैं। चाइनीज ने अभी मोस्ट रिसेंटली दिसंबर 2021 में म्यांमार को सबमरीन सप्लाई की। चाइनीज इससे पहले बांग्लादेश को सबमरीन सप्लाई कर चुकी। चाइनीज पाकिस्तान के साथ सबमरीन पर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन पर, और चाइनीज नाइजीरिया को भी सबमरीन सप्लाई कर चुके हैं। सो एक सॉर्ट ऑफ हमें सबमरीन फैक्टर की बेस पर अलायंसेस भी डेवलप होते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन चाइनीज के लिए एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल इशू है। आप खुले पानियों में आपने रहना है तो आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, जिसके लिए आपको फिर इंडियन ओशन कंट्रीज की वन वे और द अदर हेल्प तो चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए, लॉजिस्टिक्स तो चाहिए। इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में हम फिर दूसरी तरफ जरा यूएस की ऑप्शंस को भी एवेलुएट कर लेते हैं। यूएस कैसे पूरी 21st सेंचुरी में चाइनीज के इंडियन ओशन के इन्फ्लुएंस को कैसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता रहा। सो हम देखते हैं कि लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो उसका ऑप्शन नंबर वन रहा है टिल 2020, दैट वाज इंडिया। इंडिया के साथ 2008 में न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील, वो भी साइन हुई। फिर पूरी 21st सेंचुरी में, इन 20 सालों में, 2002 से लेके 2020 तक, इनके दरमियान हमें बहुत सारे, मोस्ट रिसेंटली जिसको आप कहते हैं 2+2 डायलॉग यूनाइटेड स्टेट्स और इनके दरमियान, दोनों तरफ के डिफेंस के मिनिस्टर्स, दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर्स, सो 2+2 आखिरी। तो हमें 4 बड़े एग्रीमेंट्स इन 18 सालों में इनके दरमियान होते नजर आते हैं। ये इनकी एब्रीवेशंस हैं, एंड मोस्ट रिसेंटली कॉमकासा, हम इसको गूगल कर सकते हैं आप इनकी एब्रीवेशंस को। सो लेकिन इसमें लिमाओ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एग्रीमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था 2016 का। सो ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स वो इंडिया की नेवल अपग्रेडेशन में मसरूफ रहा है, और ये इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि P5 जो आपकी कंट्रीज हैं, मेजर 5 पावर्स, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इनसे बाहर अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर सबमरीन है दुनिया में तो वो सिर्फ इंडिया है। और इंडियंस को फिर इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से काफी असिस्टेंस और सपोर्ट भी हमें देखने को मिली। सो लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स के पास इंडिया एज एन ऑप्शन, बट दिस इज नॉट इनफ बिकॉज इंडिया always want its own unique hegemony over Indian Ocean. So Indians कई जगहों पर ऐसी developments कर गए कि जहां ये United States को, फिर United States skeptic हो गया, particularly as 400 deal with Russia. Then the way Indians responded to Chinese, the border dispute 2020 ki
उसको सही मायनों में टैकल नहीं कर पाए। अमेरिकन ने सर्वेलेंस की असिस्टेंस भी दी बीका के एग्रीमेंट से, बट स्टिल अमेरिकन स्केप्टिक होने शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट एक ही ऑप्शन पे काम कर रही होती। अमेरिकन ऑल्सो ऑप्टेड फॉर क्वाड, जिसमें फिर ऑस्ट्रेलिया जापान भी मौजूद थे अलॉन्ग विद इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके जरिए भी जो है वो एफर्ट्स होती रही, अभी भी हो रही। बट एक ऐसा अलायंस के जो लॉन्ग टर्म हो, एक ऐसा अलायंस जो डिपेंडेबल हो, एक ऐसा अलायंस जो इंडियन ओशन में जिसके साथ हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो। सो ऐसा अलाय पार्टनर 2017 से अमेरिकन्स वर डेस्परेट कि ऐसा कोई अलायंस डेवलप हो हमारा। ऐसा नहीं है कि इंडियन से खिलाफ हो गई, बट इशू कि डिपेंडेबल अलायंस हो। सो यूएस ट्राइड मैक्सिमम टू कीप इंडिया ऑन इट्स साइड, बट जो इंडिया रहा भी, बट नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल अमेरिकन्स। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हाउ टू एड्रेस द एक्टिविटीज एंड प्रोग्रेस ऑफ प्लान इन इंडियन ओशन, ये लार्जली सबसे बड़ी रीजन है बिहाइंड द कल्मिनेशन ऑफ द सितंबर 2021 एग्रीमेंट, विच इज बेसिकली विद द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं कि इसकी नेचर जो है दैट इज मिलिट्री कोऑपरेशन, एक्सचेंज एंड वर्किंग टुगेदर। यानी मिलिट्री कोऑपरेशन स्लैश एक्सचेंज एंड वर्किंग टुगेदर इन इंडियन ओशन। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर जो सबसे बड़ा अलायंस, एक परमानेंट अलायंस, दिस इज नोन एज ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अंडर दिस एग्रीमेंट अमेरिकन्स वुड प्रोवाइड 8 सबमरीन्स, न्यूक्लियर रिलेटेड सबमरीन्स। अंडर दिस एग्रीमेंट अमेरिकन्स विल प्रोवाइड लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स टू ऑस्ट्रेलिया। अंडर दिस agreement Americans will help Australia in artificial intelligence and specifically militarization of artificial intelligence. Under this agreement Australians will be provided with cyber communication, advanced cyber communication tools, so that they could intercept Chinese. सही है जी, नॉट ओनली कम्युनिकेशन लेवल बट एज वेल एज टेक्नोलॉजी। सो ये की एस्पेक्ट्स इसके, और ये भी फिर सरप्राइजिंग नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया विल गोइंग टू बी द फर्स्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट अक्रॉस द ग्लोब कि जिसको न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाएगी। सारा फौरन तो नहीं मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इनको मिल जाएगी। प्रीवियसली 6 के पास ही है, जो हमने पीछे अभी बात कर ली। सो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन से इंडिया, इससे तो ठीक है जो कंटेनमेंट या जो प्रोपोजिशंस बना रहे हैं, लेकिन हम डिपेंडेंसी जो है वो हमारा इशू है। सो हमें एक मिस्टर डिपेंडेबल चाहिए। सो वो ऑस्ट्रेलिया ये रोल प्ले कर सकता है। सो जिससे हम फिर इस ग्रैंड रीजन में, अलग हम पॉपुलरली तो हम ये समझते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका से ऑनवर्ड्स आगे, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज,
फिर नीचे जो है वो फिर क्या कहते हैं बाबुल मंदब, और ऊपर रेड सी का कॉर्नर। तो यही एक आर्क जो है वो इंडियन ओशन की। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाका के अलावा भी यहाँ पर दो तीन स्ट्रेट्स हैं जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन को जोड़ रही होती हैं। सो इन तमाम पर जो है वो एक गहरी नजर हमारी रहेगी इस सारे एस्पेक्ट। सो ये तो एक हो गया कि कॉन्टेक्स्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जी प्लान क्या है एंड हाउ अमेरिकन्स दे वर स्केप्टिकल। एंड इस एग्रीमेंट के जरिए एक हाई होप है कि हम प्लान की एक्टिविटीज को थ्रू आउट इंडियन ओशन इफेक्टिवली चेक में रख सकते। लेकिन ये एग्रीमेंट, ऐसे कई एग्रीमेंट्स इससे पहले भी होते आए हैं कंट्रीज के दरमियान, ये इतना ज्यादा लाइमलाइट में क्यों आ गया? ऐसा क्या है इसमें? ये लाइमलाइट में इसलिए आ गया, अभी इसके एनालिसिस और इसके जो फॉल आउट्स हैं उसको अभी हम देखने जा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा रिएक्शन यानी चाइनीज की तरफ से रिएक्शन वो इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा रिएक्शन यूरोपियन यूनियन एंड स्पेसिफिकली फ्रांस की तरफ से आया। द रीजन सो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इन एग्रीमेंट था विद फ्रांस न्यूक्लियर रिलेटेड सबमरीन्स, जो कि कन्वेंशनल भी कन्वर्ट हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती, और इनके दरमियान जो एग्रीमेंट था वो तकरीबन 100 बिलियन US डॉलर्स के करीब का एग्रीमेंट था। सो एक ही झटके में ये एग्रीमेंट से ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ कर गया, कोई एडवांस नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ कर गया। क्यों? क्योंकि अब उसने यूके यूएस को ज्वाइन कर लिया था। सो ज्यादा फिर जो है वो फ्रांस की तरफ से, एंड फ्रांस बीइंग पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये फिर ओवरऑल यूरोपियन यूनियन, आप ऑनलाइन देखें रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं यूरोपियन यूनियन के जनाब, इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑकॉस ऑन यूरोपियन यूनियन, आप रिसर्च आर्टिकल्स की भरमार पड़ी हुई, बर्लिन इंस्टीट्यूट ने तो इस पर जो है बहुत ज्यादा लिख दिया हो, बर्लिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेवरदलेस, सो हमें फिर फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के कैंप से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट और ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा वो हो गया। चाइनीज की तरफ से जो आने वाला रिस्पांस है वो दो तरह से नजर आता है। एक तो हमें सबमरीन फैक्टर, चाइनीज ने म्यांमार को भी सबमरीन दे दी 21 में, पाकिस्तान के साथ बड़े तेजी के साथ सबमरीन्स पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें इन्हीं कुछ महीनों में हमें चाइनीज की तरफ से कंट्रोल्ड एग्रेशन पहली दफा देखने को मिलना शुरू हो गया, फॉर द फर्स्ट टाइम कि कंट्रोल्ड एग्रेशन स्पेशली ओवर द इशू ऑफ ताइवान। यानी चाइनीज लीडरशिप एंड स्टेट्समैन एग्रेसिव नोट पर ताइवान के ऊपर स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं पिछले दो महीनों में। आज जब ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त दिसंबर 2021 है, तो पिछले दो महीनों में बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन नजर आना शुरू हो गया चाइनीज स्टेटमेंट्स में। सो ये तो एक बेसिक सी कि जी क्या है एग्रीमेंट, क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है उस, ये इतनी इसकी वजह शोरत क्यों बन गई है। अब आ जाते हैं जरा स्पेसिफिक इसके एनालिसिस पे, एक जरा एनालिसिस इस पे करने। पहला तो एस्पेक्ट जो है ऑफ कोर्स दैट इज कंटेनमेंट ऑफ चाइना। चाइना स्लोली एंड ग्रेजुअली, चाइना इज ट्राइंग claim sovereign rights in Indian Ocean, और ये किसी भी तरह United States के interest में
नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव करता है फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन फॉर ऑल, और उसमें किसी भी तरह की चाइनीज के जो टेरिटोरियल सॉवरन क्लेम राइट्स हैं, ये इंडियन ओशन को भी दूसरा साउथ चाइना सी ना बना दें। सो इनको रोकना होगा। सो इंटरनेशनल वाटर्स को फ्री एंड ओपन रखना होगा, और उसके लिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट हमें रोल प्ले करना है। सो एक आस्पेक्ट तो फिर ऑफ कोर्स कंटेनमेंट ऑफ चाइना का। सेकंड एनालिसिस जो इस एग्रीमेंट से हम डेवलप कर सकते हैं, जनरल मैकार्थी का के फ्रेमवर्क में रहते हुए, दैट ओल्ड फ्रेंड्स नेवर डाई। जनरल मैकार्थी ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई। सो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू एंड कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो अलायंसेस थे उनकी एक रीबर्थ होती नजर आती। ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स अलायंस, ये भी कोल्ड वॉर में मौजूद था। हाँ, न्यूजीलैंड उस वक्त इसका हिस्सा था, लेकिन न्यूजीलैंड फिर खुद ही 1960s में हट गया, क्योंकि न्यूजीलैंड किसी भी तरह से न्यूक्लियर ऑप्शन पर बिलीव नहीं करता, और ना ही वो अपने वाटर्स को किसी भी तरह न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के अपने ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बिकॉज उसकी ज्यादा ट्रेड जो है वो एशिया पैसिफिक के कंट्रीज के साथ जुड़ी हुई है, और एशिया पैसिफिक के कंट्रीज के साथ वो किसी भी तरह की किसी बड़े स्टेट के साथ अलायंस बना के अपनी ट्रेड को हैम्पर नहीं करना चाहता। खैर, ये हमारी यहाँ की डिबेट का हिस्सा भी नहीं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज कि पूरा एक रेप्लिका नजर आता है। थ्रू आउट कोल्ड वॉर यूके इसने हमेशा यूएस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया कोल्ड वॉर में। इवन द फैक्ट कि जब 1960s में यूरोप डिवाइड हुआ इस बात पे कि हमें यूएसएसआर के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस वक्त भी यूके यूएस की सपोर्ट में रहा कि हमें यूएस के साथ मिला के बात करनी चाहिए, उसके बगैर नहीं करनी चाहिए। जबकि वही जो ग्रुप है फ्रांस ग्रुप, जो आज यूरोपियन यूनियन की सूरत में आप जिसको कहते हैं, कि जिसका ये ख्याल था कि नहीं, हमें अमेरिका के बगैर भी बात कर लेनी चाहिए, तो 1968 में हम देखते हैं कि फ्रांस को नेटो छोड़नी पड़ी, लीव कर गया नेटो फ्रांस। इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन वो बहुत स्केप्टिक हो गई है जी टुवर्ड्स यूके एंड यूएस। सेम हमें रेप्लिका होता कोल्ड वॉर का नजर आता है, एंड ओल्ड फ्रेंड्स यूके यूएस ये दोबारा से ज्वाइन हैंड करते हमें नजर आ रहे। ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पोस्ट ब्रेग्जिट एरा में जो सबसे बड़ा स्लोगन हमें यूनाइटेड किंगडम में नजर आया, दैट वाज ग्लोबल ब्रिटेन। ग्लोबल ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को अगर प्रोटेक्ट और एनहांस करना, तो उसके लिए इंडियन ओशन रीजन में हमारा इन्फ्लुएंस बनना चाहिए। एंड इंडियन ओशन रीजन की ज्यादातर कंट्रीज वो डीकोलोनाइज हुई हैं फ्रॉम ब्रिटेन। सो इन तमाम कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड टाइज को बेहतर रखने के लिए हमें इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस लेके आना है। सो एक तो ये भी आस्पेक्ट जो है वो बड़ा मजेदार है। देन अगला आस्पेक्ट ये कि यूनाइटेड स्टेट्स 21st सेंचुरी में खास तौर पर चाइनीज एडवांसमेंट्स, इन पे बहुत क्रिटिकल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक स्ट्रेटेजिक रिप्लाई टू चाइना, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले ये जापान
के थ्रू कम्युनिकेट करवाते रहे। जापान की एस्पिरेशन टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, अमेरिकन न्यू दिस थिंग दैट चाइनीज स्ट्रांगली बिलीव इन पैक्स सिनिका। पैक्स सिनिका गूगल कर लीजिएगा, आपको जरा आसानी हो जाएगी समझने में। तो चाइनीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हैं पैक्स सिनिका में, और पैक्स सिनिका के लिए जरूरी है कि चाइना और खास तौर पर उसके ईस्ट में और साउथ ईस्ट में कोई भी न्यूक्लियर पावर ना हो। इवन द फैक्ट, ये याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो चाइनीज अपेरेंटली, तो हमें लगता है कि चाइनीज बहुत सपोर्ट करते नॉर्थ कोरिया को, लेकिन चाइना ने भी ओपनली कंडेम किया था नॉर्थ कोरिया को। चाइनीज बिलीव करते हैं कि हमें वो गेन करना है जो हमने 14 सेंचुरी में लूज किया था जी, हमारी 700 स्ट्रॉन्ग शिप्स जो कि साउथ चाइना सी प्लस इंडियन ओशन में हर वक्त मौजूद रहती थी, तो हमें उसे वापस रीगेन करना है पैक्स सिनिका। उसके लिए चाइनीज ये समझते हैं कि कोई बड़ी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए रीजन। सो इनिशियली 2011 तक हमें थ्रू जापान अमेरिकन्स कम्युनिकेट करते नजर आते हैं, और इसमें ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जो आज हम वर्ड क्वाड का पढ़ते हैं ना, जो 2016 से बहुत मशहूर हुआ, ये जनाब 2007 में जापानी प्राइम मिनिस्टर ने आइडिया कॉइन किया था। पहली दफा क्वाड 2007 में बना, लेकिन लाइमलाइट में ये 2016-17 में आना शुरू हुआ। आफ्टर जापान, अमेरिकन्स थ्रू इंडिया चाइना के साथ कम्युनिकेट करते नजर आते हैं। कम्युनिकेट ये नहीं कि इंडिया बातचीत हो रही है, यहां कम्युनिकेट से मतलब स्ट्रेटेजिक रिप्लाई दैट इफ यू विल नॉट अबैंडन, तो हम फिर इन स्टेट्स के जरिए इनको आपकी सराउंडिंग में इतनी बड़ी पावर बनाएंगे ताकि आपका पैक्स सिनिका डिस्टर्ब हो। एंड नाउ इट्स अ मैसेज कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर इफ यू विल नॉट, इफ यू विल कंटिन्यू योर यू कैन से इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन बाय वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू सी। देन अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार एनालिसिस है कि चाइनीज क्लेम करते हैं कि प्लान की मौजूदगी इन इंडियन ओशन तो भाई इसलिए है ताकि हम सी पायरेसी को एड्रेस कर सके, ऐसे ही ताकि हम टेररिज्म को एड्रेस कर सके। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ऑकॉस भी चाइनीज सिंगल हैंडेडली इतने बड़े इंडियन ओशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल हैंडेडली पूरी नहीं कर सकते जी। सो फिर ये एग्रीमेंट भी सी पायरेसी और काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज बर्डन को शेयर करेगा बाय मोर पेट्रोलिंग इन इंडियन ओशन। देन इसके बाद अगला बड़ा मजेदार एनालिसिस जो इसके साथ जोड़ा जाता है, वो जोड़ा ये जाता है कि 21st सेंचुरी में, खास तौर पे इसके पहले दो डेकेड्स पे, इंडियन ओशन प्लस इस पूरे आप कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को ये शुमार किया जा रहा था कि बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रैप हो रहे हैं जी, किस में, थ्यूसिडाइडिस ट्रैप में। थ्यूसिडाइडिस ट्रैप, सो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एग्रीमेंट थ्यूसिडाइडिस ट्रैप से अवॉइड करने की एक स्ट्रेटजी भी है, बिकॉज थ्यूसिडाइडिस ट्रैप विल इवेंचुअली लीड यू टूवर्ड्स वॉर, either you want that war or not, but it may lead towards war. So such a strong security agreement would create a balance of power, and balance of power, as you all know, is the most reliable and traditional method to
for strategic stability to avoid war. So ये हमें एक initiative इसके aspect में ये भी नजर आता है कि इसके जरिए एक balancing का aspect भी इस grand Indo-Pacific region में develop होता नजर आता है. But the most important and striking development was that in 21st century, United States के जो response हैं towards China, especially in the Indo-Pacific region, ये सब response reactive रहे. प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं थे, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज रहे. इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, क्योंकि इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि बाय द टाइम 2049 जब 100 इयर्स होंगे चाइना रेवोल्यूशन में, तो उस वक्त तक इंडियन ओशन में हम स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंश्योर कर चुके हों. सो एक लॉन्ग टर्म, और जाहिर है 20 साल तो इन सबमरीन्स को, 8 सबमरीन्स बारी 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 मिलते मिलते इनको 20 साल तो इसी में लग जाने. सही है जी. So, इस कॉन्टेक्स्ट में इस एग्रीमेंट को समझा जाता है कि ये पहली दफा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया इंडो पैसिफिक रीजन. सो ये कुछ की एनालिसिस एसोसिएटेड विद ऑकॉस. बट साथ ही हम देखते हैं कि रिसर्च आर्टिकल्स में भी, न्यूज़पेपर्स में भी, ओपिनियंस भी, बहुत ज्यादा इसको क्रिटिक भी किया गया. जो इसके फॉल आउट हैं वो क्या हैं, उनको भी अब जरा हाईलाइट करके देख लेते हैं. सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठा इस एग्रीमेंट से वो यूएस रिलायबिलिटी इन क्वेश्चन. देखिए जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जनाब अपने अलाय पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर यूनाइटेड स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया, और ये एक कल्चर बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज में, स्पेशली इन 21st सेंचुरी हमें ये कल्चर डेवलप होता नजर आ गया कि यूनाइटेड स्टेट्स अब अपने अलाय पार्टनर्स से ज्यादा मशावरत नहीं करता. सही जी. मसलन इसकी कई छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन है, मसलन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉल. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉल विदाउट कंसल्टिंग अलाय पार्टनर्स, विड्रॉ कर लिए. अब ये हालत हो गई है कि जो न्यू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो विदाउट अमेरिका बाकी तमाम कंट्रीज ने शुरू कर दी, अब चाइनीज उसको ज्वाइन करने चाह रहे हैं. क्या हम उसको ज्वाइन करेंगे? इसी तरह कनाडा नेटो का भी मेंबर और आपके साथ उसके बड़े ज़्यादा पुराने ताल्लुकात, तो कनाडा को भी कंसल्ट नहीं किया, खास तौर पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स उस पे चाइना को और कनाडा को सॉरी कंसल्ट नहीं किया. इवन अफगानिस्तान के विड्रॉल पे अलाय पार्टनर्स को कंसल्ट नहीं किया. सही है जी. इवन यूनाइटेड स्टेट्स डिडंट इवन ट्राई टू एड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ फ्रांस कि एटलीस्ट आप एक स्टेट को जो कि तकरीबन 2 साल से ज्यादा काम कर चुकी हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑस्ट्रेलिया के साथ उस पर काम कर चुकी है, और एक झटके में उसको निकाल दिया. तो इसको फिर हम देखते हैं कि खुद अमेरिकन जो मीडिया है उसने भी फिर इसको
अनफोर्स्ड एरर बाय यूनाइटेड स्टेट्स लेबल किया कि भाई इतना तो आपकी रिलायबिलिटी, आपके अलायंस जो हैं वो रिलक्टेंट होंगे कि आप तो किसी वक्त भी कुछ भी. सो जो मॉरल डायनामिक्स हैं उसको बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चनिंग की गई. सही है जी. फिर उसके बाद दूसरा जो बड़ा मजेदार एस्पेक्ट है, वो दूसरा मजेदार जो हमें फिर, ये तो ऊपर ना अमेरिकन मीडिया, तो फिर अमेरिकन स्कॉलरशिप, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, अमेरिकन स्कॉलर्स, वो बड़ा मजेदार ओपिनियन लेके सामने आते हैं इसके एज अ फॉल आउट. इनका ख्याल है कि जो कंट्रीज हैं इन इंडियन ओशन रीजन, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जनाब ये एक वेस्टर्न ब्लॉक इंडियन ओशन में डेवलप हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया उसी वेस्टर्न कंट्रीज, वही रेस, वही कल्चर, यूके, यूएस, तो एक वेस्टर्न ब्लॉक इंडियन ओशन में डेवलप होता नजर आ रहा है. और इंडियन ओशन कंट्रीज जो के जिनको इत्माद में नहीं लिया गया जा रहा, यही वजह है कि आप इंडोनेशिया के क्लेम देख लें, आप सॉरी क्या रिस्पांस देख लें, मलेशिया के रिस्पांस देख लें, छोटे छोटे से कंट्रीज बर्मा का रिस्पांस देख लें, बांग्लादेश का रिस्पांस देख लें, विद द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो आपको एग्जांपल सिंगापुर की मिलती है, जिसने इस शर्त पर जो इसको अप्रिशिएट किया कि जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे वाटर्स की वायलेशन ना होने की गारंटी दी. छोटा सा तो है सिंगापुर. तो बाकी तमाम जो इंडियन ओशन रीजन की जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसकी तमाम कंट्रीज ने अपने कंसर्न्स शो किए. सो इन अमेरिकन स्कॉलरशिप का ख्याल ये है कि इन कंट्रीज को इस एग्रीमेंट के जरिए जो माइंडसेट डेवलप हो गया, दे आर लेफ्ट एट द behest of China. Now, what will these countries will do? They will automatically, they have no option but to side with China. So, ये भी तो आपका concern रहा है ना. Let's say कि ये water है, तो इसके साथ ये Indian Ocean की countries हैं. तो initially आपका ये concern था कि China in Indian Ocean countries में अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, उनसे पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है, ऐसा ये नहीं, उनको लोन्स ऐसे प्रोवाइड कर रहा है जो वापस नहीं कर पा रही, तो उनके जनाब मॉर्गेज हो रहे हैं जी, जगहों पे कब्जे कर रहे हैं जी, यही था ना जी आपका पहला इशू. अब आपकी सारी तवज्जो सिर्फ ओशन की तरफ हो गई और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गई जो कि कॉर्नर में, तो आप तो फिर इन तमाम कंट्रीज को दोबारा फिर दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि वो चाइनीज की तरफ ही मूव करें. सो इस एस्पेक्ट को अमेरिकन्स ओवरलुक करें और उसी हार्ड पावर रिस्पांस जो कि कोल्ड वॉर का करैक्टरिस्टिक था उसी को वापस लेके आ रहे. ठीक है जी. अमेरिकन्स ये स्कॉलरशिप जो इनकी कहती कि जनाब डिप्लोमेसी एंड ट्रेड की जो डायनामिक्स हैं उसको तो आपने यकसर नजरअंदाज कर दिया. ये भी तो टूल्स हैं. इन टूल्स को आपने रीजन के कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में यकसर नजरअंदाज कर दिया. सो परसेप्शन तो वही डेवलप हो रही है फिर कि ये वेस्टर्न ब्लॉक और चाइनीज स्टेटमेंट्स भी फिर इसको हाईलाइट करती कि ये वही वेस्टर्न कंट्रीज का एक इंपीरियलिस्टिक एजेंडा जो माजी में रहा है उसी की मैनिफेस्टेशन दोबारा होती नजर आती है. यूनाइटेड स्टेट्स और ये कंट्रीज दोबारा वही कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की तरफ जा रही हैं, जिनमें फिर इंडियन ओशन कंट्रीज जो हैं उनको प्रेशराइज ही किया गया पास्ट में भी और आगे भी किया जाएगा बाय दिस वेस्टर्न ब्लॉक. सो ये जो हार्ड रिस्पांस आपने डेवलप कर दिया है मिलिट्री एग्रीमेंट करके रीजन में, तो इससे ये सारी
aspects develop ho rahe hain jisko Americans they have miserably failed to account for these aspects aur inko address bhi nahi kar paye aur iske bare mein zyada deliberate bhi nahi kiya. But jo sabse bada fallout hai, that is European Union. European Union is in a state of flux, khas taur par is agreement ko leke. US European Union, largest trading partner, UK ke exit se ye appear ho raha hai ki US has decided to align with UK in comparison with European Union. So what European Union can do now? Ek taraf to hum European Union se moral dimensions par hame debates nazar aati hain ki ji France ke sath zulm hua, zyadti hui hai, to European Union ek taraf to ye aspects develop karti nazar aati hai. दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन चाइना की तरफ ऑल टुगेदर मूव नहीं कर सकती बिकॉज यूरोपियन यूनियन के सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने काफी एस्पेक्ट्स में एम्बार्गोज भी लगाए हुए हैं चाइना पे. सो यूरोपियन यूनियन तो कभी अपने स्टैंडर्ड्स पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी. बट जो एक mistrust develop ho gaya towards US and they are not ready to join France, so they are in a state of flux. So United States European Union ke concerns ko bhi address nahi kar paya. Then most importantly, what about nuclear proliferation? Non-proliferation से रिलेटेड जितने भी कमिटमेंट्स हैं, क्या एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को जब आप ये न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कौन सी नॉन प्रोलिफरेशन के आइडियाज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किन आइडियाज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? सो अमेरिकन्स की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव अमेरिकन्स की फिर मॉरल लेजिटिमेसी कैसे डेवलप करेंगे, हाउ टू एड्रेस नॉर्थ कोरिया, हाउ टू रीनेगोशिएट विद ईरान. सो अमेरिकन स्कॉलरशिप बिलीव कि आफ्टर नियरली वन एंड हाफ डेकेड ऑफ कंपटीशंस विद चाइना इन दिस ग्रैंड रीजन, अमेरिकन लीडरशिप लैक्ड द स्किल्स. They lack those skills to deal with China, and they have reverted back to the politics of Cold War, जिसके काफी खतरनाक consequences जो है वो होंगे Indian Ocean region के लिए. So ये था जी एक lecture के जिसमें Australia, UK, US agreement को Chinese ऑफ कोर्स सबको पता है कंटेनमेंट, लेकिन क्यों, किस वजह से और इसके फिर एनालिसिस और फिर इसके फॉलोआउट्स क्या जो है वो डेवलप हुए उन पे ये लेक्चर था. अगर कोई इंटरेस्टेड है ये स्लाइड्स वगैरह लेने के लिए, वैसे तो मैं इसको यूट्यूब पे भी शेयर जो है वो कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच जी.